ये देखें आप, यहाँ पे हम झिलमिल को हार्नेस बांधने की तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी पतली सुखी सी है कि इसमें से निकल रही है। तो अभी दरअसल हमें भी इतना आइडिया नहीं है। तो अब ये देखें, वो शाहजी उसको देख रहे हैं कि यहाँ से इसको हम जो इसका क्लिप है उससे हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो टमक टोइयाँ मार रहे हैं, और बिल्कुल नहीं मैं ऐसे इसमें कह रही कि नहीं जी, पता है माँ के पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आता। अच्छा, अब वो भी परेशान हो गई कि पतली पतली सी वो अपनी टांगे या बाजू जो भी आप कहें वो निकाल रही है, और अच्छा परेशान भी हो रही है। हाँ जी, लगे डुबरू को भी ले आए बेटा। शाहजी वो दूसरा भी इसको लगाए ना अब आप साथ, और देखें फिर इसका क्या रद्दमल होता है। मैं शाहजी से ना बड़े दिनों से कह रही थी, मैंने कहा शाहजी लेकर तो आ गए हैं तो इनको बांधते भी हैं। अच्छा, वो परेशान हो गए हैं, जुगनू भी अब परेशान होगा मेरा ख्याल है। ये हमारे जुगनू के काम देख रहे हैं ज़रा आप। अब इसको ये है कि ऊपर अलमारी पे जाना है, इसने ये माऊ माऊ कर रहा है, और सारा दिन के बाद इस टाइम बंदा फ्री होकर बैठता है कि चले कुछ देख ले, और लेकिन इस टाइम केबल का ही सत्यानाश हुआ होता है। ये देखें, इसको ये है कि मैं किस तरह ना ऊपर अलमारी पर चढ़ूँ। जुगनू इतनी शदीद गर्मी हो रही है, सुकून से आप भी एसी में बैठ जाओ, आपको क्या टेंशन है। शुक्र है लगा कि लाइट है, वरना लाइट ने मत मारी है। माऊँ माऊँ, हाँ जी, कहाँ कहना मिले बाबू ने। चले अब वो चला गया नीचे। हाँ जी, हमारी झिलमिल ना बहुत निढाल हो रही है गर्मी से, पता नहीं इसकी तबीयत कैसी हो रही है। वैसे कभी कभी ना मुझे इसकी तबीयत जो है ना कुछ और लगती है, आप सब भी मुझे बताइएगा। खैर, मैं इसे अभी वेट के पास तो लेकर नहीं गई हूँ, क्योंकि कुछ ज़रा घर में ज़रा काम है, बिज़ी थी मैं और बिज़ी हूँ अभी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे इसके साथ कोई और ही चक्कर है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, अगर कोई सजेशन है कुछ है तो मुझे ज़रूर मेरी वाइटी फैमिली मुझे बताए। अच्छा, और इसकी ना मतलब हैबिट्स भी आजकल बड़ी चेंज सी हो गई हैं। एक तो ये अपने आप को हर वक्त चाटती रहती है, मतलब अपनी दुम के नीचे, मतलब जो है, हाँ जी बिल्कुल, और क्या कहते हैं, इस तरह ये लेट भी रही है, और कुछ ये मतलब ऐसी हरकतें इसने पहले इससे नहीं की हैं, और जी बिल्कुल, और मुझे इसका पेट भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, जिससे मुझे लग रहा है कि शायद, लेकिन शायद इसे डॉक्टर के लिए जाने का टाइम निकालना चाहिए हमें। क्या ख्याल है आपका, कि ये ना हो कि हम जो समझ रहे हैं वो ना हो, खुदा ना खास्ता कोई और ही मसला हो। बल्कि पिछले दिनों जब मैं एक और चैनल पे वो देख रही थी, वो कितना रो रही थी, और उनके वो के कहा कि कॉलर जो उसने वो खा ली, और वो जिसकी वजह से उसकी वो डेथ हो गई, मुझे तो इतना खौफ भी आया, और मेरा रो रो के बुरा हाल था। मैं कहा ये बस जो पेट्स रखे होते हैं ना, जो पेट्स ऑनर है ना, उन्हें ही इनसे बस प्यार होता है। वाकई इस दर्द को और इस प्यार को ना कोई नहीं समझ सकता, बस स्पीचलेस है जी ये। देखो माशाल्लाह, इतना उन्हें कॉन्फिडेंस होता है, पता कि कुछ नहीं करेंगे, ना हिलते हैं कि चलो हम ये जी 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 कर लें। बिल्कुल, यही तो उनका प्यार है, बचाव करें। बिल्कुल, उन्हें पता है ना। हाँ जी, तभी तो प्यार आता है। ये हमारी शहजादी है, हमारी शहजादी कौन है, हमारी शहजादी, ये हमारी झिलमिल शहजादी है, प्यारी शहजादी, माशाल्लाह शहजादी। आई आई, अच्छा जब इसको लाड करते ना, साथ ही इसके हाथ देखे, हम कहते हैं इसके हाथ टुंडे हो गए। हाँ जी, ये वाकई हमारी बहुत प्यारी शहजादी है, और हमारा जुगनू शहजादा है। आज मैंने यही बात शाहजी से करी थी, मैंने कहा शाहजी जब हमने इन पेट्स को, मतलब इनको हमने नहीं रखा था, किटन्स को, पता नहीं हम इनके बगैर कैसे रह रहे थे, और अब इनके बगैर रहने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कितना अच्छा एक्सपीरियंस, और इतना इनके साथ मतलब मज़ा आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, कोई बीमारी कोई तकलीफ़ ना हो। ख्याल तो खैर बहुत रखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो 100% ही, लेकिन बहरहाल 100% तो कोई भी नहीं होता, और ना हम हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश तो पूरी होती है। अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे। हाँ, आमीन, उनकी खिदमत करें। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन, और हम इनके मयार पे पूरा उतरें। वाकई अगर इनकी ज़ुबान होती तो उस टाइम शायद वो बताती कि मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, भाई मेरी क्या फीलिंग है, गर्मी लग रही है, क्या हो रहा है। गर्मी भी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, शदीद हब सूरत है। अगर बारिश होती है दो चार छींटे, उसके बाद फिर इतनी शदीद गर्मी है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो दुम ना हिला के अपने वो सिग्नल देती है ना कि मुझे और लाड़ियाँ करो, ये वो वाला गाना ना, सिग्नल, प्यार का सिग्नल। आप हमारे जुगनू को चेक करें,
अच्छा रोज़ाना दिन में ना 2-2.5 बजे के टाइम, अच्छा ये इस तरह आके लेट जाएगा बेड पे शाहजी के पास, और फिर शाहजी इसको प्यार करेंगे और ये इसकी टांगी भी खुल जाती हैं और अभी इसके हाथ भी ऐसे हो जाते हैं। वैसे जब जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, पता नहीं इसको पता चल जाता है कि लो जी मुझे ज़्यादा ही मैं लाइम लाइट हो रहा हूँ, तो ये देखिए आप इसको। और अच्छा मेरे पास भी इतना नहीं आता ना बेटे के पास आता है, लेकिन शाहजी के पास ये इतना जाता है और इतना प्यार करवाता है ना माशाल्लाह। खैर है ये प्यार करने वाली चीज़, और देखिए इसने आंखें भी खोली हुई है, उसको सब पता लग रहा है कि मेरी बातें हो रही हैं। जुगनू 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 हमारा पारा मानू बिल्ला, बस आजकल गर्मी से बेहाल है और कोई चक्कर नहीं है। पानी का भी मैं ख्याल रख रही हूँ, थोड़ा सा निमकोल का जो है वो साशा उसमें से थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ पाउडर के, ताकि इनको पानी की कमी ना हो। तो लेकिन ये है कि गर्मी ने तो खैर इंसान जानवर हर किसी को परेशान किया हुआ है। जुगनू बताएं, हाँ जी क्या फीलिंग है आपकी? ये देखें तो जनाब आप ज़रा, ये झिलमिल और जुगनू एक दूसरे से लाड़ियाँ कर रहे हैं, लाड़ियाँ का बल्कि रोमांस कर रहे हैं जी। दरअसल एसी चला हुआ है, माहौल बना हुआ है, इन्हें और क्या चाहिए जी। अब ये देखें हमने का थोड़ा सा इसे कैप्चर करें तो साथ ही उन्हें शर्म आने लग गई कि हाँ है ऐ की करन रहे हो तुसी, हैं जे साडा मूड बनिया ही बनिया ऐ जी तरह करो ना। यही बात है, जुगनू ने भी मुँह उधर कर लिया है और झिलमिल ने भी जी। हाँ जी जुगनू झिलमिल, ये इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना, सुभान अल्लाह माशाल्लाह अनमोल हैं अनमोल। मैं तो कहती हूँ कि बस मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक सुभान अल्लाह। अभी ना ये इतना एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को चाट रहे थे, मैंने कहा शारी जल्दी से बनाएं जल्दी से बनाएं, मैं भी अपनी बाल्टी फैमिली को दिखाती हूँ। ये देखें और ये झिलमिल को देखें ज़रा जी, इसका स्टाइल आप चेक करें। जब मैं इसका नाम भी लेती हूँ ना झिलमिल, फ़ौरन ये लाड़ियों में आ जाती है और अपने हाथ ऐसे कर लेती है। ये देखें झिलमिल झिलमिल, ओ मीला बच्चा, ओ मीला बच्चा, ओ मेरी जान एक स्माइल तो दे दो। हाँ जी अभी साइड पोज दे रही हो, लो जी पहले साइड पोज देख लीजिए उसका, बस देख लिया चले। लो जी अब झिलमिल साहिबा भी ना वो उस पर उतर आई हैं, शोखी हो गई हैं ये शोखी। वो लटक रहा था वो देखे, वो झिलमिल उसे पकड़ी एक तरफ से, वो जुगनू ने पकड़ भी लिया। ये सही है जी। अच्छा झिलमिल तो ना मुझे कभी कभी गुलहरी भी लगती है शाह जी, क्या ख्याल है आपका, है ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं ये पारी से पारी पारी चीज़ें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल ये कम कम खेल रही है, पता नहीं क्यों, मतलब इतनी डल सी हो रही है, क्या वजह है समझ नहीं मुझे आ रही है। या तो मुझे लग रहा है ये हमारी मम्मी कैट है, इसे डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा वेट से, फिर हमें सही पता लगेगा। फिलहाल कुछ थोड़े बहुत जो अंदाज़े में लगा रही हूँ मुझे लग रहा है शायद वही है।